नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे, नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे। नेपाल का जनकपुर, सीता मैया का मायका और भगवान राम की ससुराल, दो देशों के बीच ऐसे आध्यात्मिक रिश्ते की मिसाल भला और कहां? शायद इसीलिए ये लम्हा और खास हो गया, क्योंकि पूरे इतिहास में भारत का कोई पहला प्रधानमंत्री इस रिश्ते को निभाने पहुंचा। पीएम मोदी के इस भक्तिमय अंदाज से ही आप नेपाल और भारत के बीच के आध्यात्मिक रिश्तों के मायने निकाल सकते हैं। मेरो यश पटक को नेपाल भ्रमण, प्रधानमंत्री को रूपमा, यंदा पनी प्रधान तीर्थ यात्री को रूपमा आले। पीएम मोदी जानते हैं कि जहां खून का इतना प्राचीन रिश्ता हो, वहां दिलों को प्रगाढ़ बंधन में बांधने के लिए उन संबंधों को याद करना भी जरूरी होता है। चीन से नेपाल की बढ़ती नजदीकियां आज भारत के लिए तो चिंता का सबब है ही, ये भगवान राम के जनकपुर से रहे प्राचीन संबंधों को भी तिलांजलि है। इसीलिए माता सीता के मायके से उनकी ससुराल अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर पीएम मोदी ने इस रिश्ते को एक नया आयाम दे दिया। आज नेपाल और भारत आगे बढ़ रहे हैं। आपके नेपाल और भारत के संबंध राजनीति, कूटनीति, समर नीति, इससे भी परे देव नीति से बंधे हुए हैं। सीता माता की ससुराल से पहली बार कोई प्रधानमंत्री जनकपुर पहुंचा है, तो वहां भी उत्सव का माहौल है। इन लम्हों को इतिहास में तब्दील करने की तैयारी है। श्री नरेंद्र मोदी जी का विजिट तो हमारे लिए गर्व की बात है। हम लोग इसको एक त्योहार के रूप में लिए हैं, उनका विजिट का। इस ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक क्षण को आने वाला शताब्दी तक इसको लोग याद करें, इस तरह से हम लोग इस उनका विजिट को बनाना चाहते हैं। नेपाल में पीएम मोदी के आगमन पर सरकारी छुट्टी घोषित कर उन्हें उच्च सम्मान दिया गया है और पूरा नेपाल भी मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है। पीएम मोदी की ये नेपाल यात्रा जितनी आध्यात्मिक है, उतनी ही राजनयिक भी। दो देशों के प्राचीन रिश्तों की याद पूरी दुनिया को दिलाने के मायनों से भी ये मौका हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा।